नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज की 25 बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हरियाणा हिंसा में 6 मौतें, बजरंग दल विहिप का प्रदर्शन, सीएम बोले पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट बोला हेट स्पीच ना हो। जी हां दोस्तों, हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। इनमें 2 होमगार्ड नूह के भद्स गांव का शक्ति, पानीपत का अभिषेक, गुरुग्राम का इमाम और एक अज्ञात शख्स शामिल है। नूह में सोमवार को भड़की हिंसा के 2 दिन बाद भी कर्फ्यू जारी है। गुरुग्राम पलवल जिले में तनाव है। गुरुग्राम पुलिस ने कहा है कि छोटे छोटे ग्रुप हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। नूह की हिंसा के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली एनसीआर के 23 इलाकों में रैलियां करने का ऐलान किया। कई इलाकों में प्रदर्शन जारी है। रैलियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अदालत ने सुनवाई करते हुए अधिकारियों को आदेश दिया कि रैलियों के दौरान हेट स्पीच और हिंसा न होने दें, संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं और उनके फुटेज सुरक्षित रखें, जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात करें। इधर दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जिन लोगों ने नुकसान किया है उन्हीं से भरपाई कराई जाएगी। हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस, न आर्मी और न ही समाज कर सकता है। सुरक्षा के लिए वातावरण बनाना पड़ता है। इसके लिए पीस कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लगे हैं। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। दंगाइयों में भय बनाना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में मदरसों के सर्वे को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, केंद्र के खिलाफ होगा प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि पूरे राज्य में एक सर्वे कराया जाएगा जिसके तहत मदरसों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ममता ने बताया कि जो भी मदरसा सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं, रजिस्टर होना चाहते हैं, वो इस सर्वे में भाग लेकर ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अब पश्चिम बंगाल में शब ए बारात और करणी पूजा की पूरे दिन की छुट्टी होगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सरकारी छुट्टियां होती है। इस दौरान ममता ने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने मदरसों के रजिस्ट्रेशन को लेकर कहा कि इससे उन्हें काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़के लड़कियां इसके जरिए आगे नौकरी और पढ़ाई में कई सुविधाओं को प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रक्रिया में जो मदरसे हिस्सा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं और जो मदरसे नहीं शामिल होना चाहते वो नहीं आए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। विपक्षी दलों को चर्चा में दिलचस्पी नहीं, भाजपा बोली सरकार उनके आरोपों का जवाब देने को तैयार है। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को आरोप लगाया कि विपक्षी दल मणिपुर के मुद्दे पर संसद में चर्चा से भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं है और वे जानते हैं कि सरकार के पास उनके सवालों का उपयुक्त जवाब है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन सौंपे जाने के बाद भाजपा की यह प्रतिक्रिया आई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री ने मणिपुर का दौरा किया था और वह जवाब देने के लिए तैयार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि विपक्ष की क्या समस्या है, जनता भी नहीं समझ पा रही है। भाजपा नेता सुशील मोदी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इसके नेता मणिपुर का दौरा कर सकते हैं और राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर संसद में चर्चा में वे भाग नहीं ले सकते। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल को एक और झटका, केंद्र के दिल्ली सेवा बिल को मिला टीडीपी का साथ। जी हां दोस्तों, दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े दिल्ली सेवा बिल के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के मुहिम को झटका लगा है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने घोषणा की है कि वो संसद के दोनों सदनों में इस बिल का समर्थन करेगी। टीडीपी के लोकसभा में 3 और राज्यसभा में 1 सांसद है। टीडीपी के समर्थन से सरकार की संख्या बढ़ेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एनसीटी दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 को संसद में पारित करवाने लायक संख्या सरकार के पास पहले से ही मौजूद थी। टीडीपी के समर्थन के साथ ही आंध्र प्रदेश की दोनों क्षेत्रीय पार्टियां सत्तारूढ़ वाईएसआरपीसी और विपक्षी टीडीपी अब सरकार का समर्थन कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अजीत पवार ने राजीव गांधी से की मोदी की तुलना, बोले पूर्व पीएम की इमेज मिस्टर क्लीन की थी, नरेंद्र मोदी की भी वही छवि है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की तुलना मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की। अजीत ने कहा है कि राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वही इमेज मिली है। पिछले महीने एनसीपी को तोड़कर भाजपा शिवसेना सरकार में शामिल होने वाले पवार ने मंगलवार को पुणे में एक कार्यक्रम में यह बात कही। अजीत बोले, मोदी जैसा लोकप्रिय नेता दूसरा नहीं है। पवार ने आगे कहा कि हम पिछले 9 साल से पीएम मोदी का काम देख रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जैसी लोकप्रिय
वरीयता वाला कोई दूसरा नेता नहीं है। बुनियादी ढांचे के मामले में उन्होंने जो काम किया है उसे देखिए, भारत को दुनिया में अलग तरह का सम्मान मिलता है। अजीत ने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी को भी इस तरह का सम्मान मिलता था जब वह दूसरे देशों का दौरा करती थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीसीसीआई के सामने झुका पीसीबी। 15 अक्टूबर को नहीं, अब इस तारीख पर होगा भारत पाकिस्तान मैच। डब्ल्यूसी का नया शेड्यूल जल्द। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत 5 अक्टूबर से होगी। इसके सभी मुकाबले भारत में खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की टीम के 15 अक्टूबर को भिड़त होने वाली थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इसमें बदलाव की सलाह दी है। इसके बाद आईसीसी ने भी इसमें बदलाव करते हुए इसकी तारीख 14 अक्टूबर कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एक दिन पहले यह मैच खेलने के लिए तैयार हो गया है। पीटीआई की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 15 अक्टूबर की जगह 14 अक्टूबर को भारत से खेलने के लिए राजी हो गया है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान का मैच भी दो दिन पहले होगा। पहले यह 12 अक्टूबर को खेला जाना था, लेकिन अब इसे 10 तारीख को करवाया जाएगा। इस तरह पाकिस्तान की टीम को भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले 3 दिन का गैप मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान की अफगानिस्तान को धमकी। बिलावल बोले, आतंकी पनाहगाहें खत्म करें अफगान हुकूमत, ऐसा नहीं हुआ तो हम एक्शन लेंगे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में पिछले दिनों फिदायीन हमले में 56 लोगों के मारे जाने के बाद अफगान बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तानी फौज ने यहां 4 नई यूनिट तैनात कर दी है। इसके बाद फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अफगानिस्तान को धमकी दी है। बिलावल ने बुधवार को कहा कि अफगानिस्तान बॉर्डर से आतंकी हमारे मुल्क में घुसते हैं, इसके बाद वो यहां हमले करते हैं। अगर अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत ने इसे नहीं रोका तो हमारी सरकार और फौज एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजेंद्र गुड़ा ने लाल डायरी के 3 पेज रिलीज किए। राजस्थान सीएम के बेटे, आरसीए में लेनदेन की बातें कोडवर्ड में, मुख्यमंत्री के पीए का भी जिक्र। जी हां दोस्तों, बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने राजस्थान में सियासी भूचाल लाने वाली लाल डायरी के कथित तौर पर 3 पन्ने सार्वजनिक कर दिए हैं। गुड़ा ने दावा किया है कि सीएम के करीबी और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने इन पन्नों में सीएम के बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भवानी सामोत सहित अन्य लोगों से लेन का जिक्र किया है। गुड़ा ने कहा है कि मैं सरकार को नहीं, सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है। बर्खास्त मंत्री ने दावा किया कि इस डायरी में मुख्यमंत्री के करीबी धर्मेंद्र राठौर की ही हैंडराइटिंग है। डायरी के कुछ पन्ने मिसिंग है, लेकिन मेरे पास जो पन्ने हैं वह मैं जारी करूंगा। डायरी में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के लेनदेन की बातें कोडवर्ड में है और वैभव गहलोत सहित मुख्यमंत्री के सचिव को लेकर भी बातें लिखी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2.7 करोड़ आबादी, 60,000 जवान, हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती पुलिस, नूह हिंसा पर बोले सीएम खट्टर। जी हां दोस्तों, रीणा के मेवात नूह में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हिंसा में जो भी नुकसान हुआ है वह दंगाइयों से वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि दंगा करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने लोगों को नुकसान पर दावा करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि हम पोर्टल के माध्यम से लोगों को नुकसान का आकलन करेंगे। हम हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। मैं लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। सीएम खट्टर ने कहा कि प्रदेश की आबादी 2.7 करोड़ है, हमारे पास 60,000 जवान है, ऐसे में पुलिस हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती। हमने अर्धसैनिक बल की 4 अतिरिक्त कंपनियां मांगी है, लेकिन पुलिस या सेना कोई भी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता। हमें शांति और सद्भाव बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि नूह में गोरक्षा के मुद्दे हैं। इस मामले की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस परिवर्तन ब्यूरो की होगी। इस मामले में 100 जवान तैनात किए जाएंगे। मैं मुस्लिम युवाओं को प्रोत्साहित करता हूं कि वह गोरक्षा के लिए आगे आएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी हरियाणा समेत 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर भारत के मौसम पर इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने दिया अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। उत्तर भारत के भी तमाम राज्यों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की माने तो बारिश का यह दौर अभी और जारी रहने वाला है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर भारत के 6 राज्यों के सुदूर इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वहीं कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी जारी रहेगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तराखंड में मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में 2 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जाएगी। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग की माने तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में सुदूर इलाकों में बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आज और कल पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो दोस्तों 3 से 6 अगस्त के बीच में हल्की से मध्यम बारिश देखने को यहां पर मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की बात करें तो इन राज्यों में 3 से 5 अगस्त के बीच में ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा सुदूर इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लोकसभा में लगातार हंगामे से ओम बिरला हुए नाराज, आज स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठे। मणिपुर मामले पर राष्ट्रपति से मिले इंडिया के सदस्य। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र के 10वें दिन यानी कि 2 अगस्त को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे। वे लोकसभा में विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे से नाराज थे, इसलिए उन्होंने सदन आने से इनकार कर दिया। उनकी जगह आंध्र प्रदेश के राजमपेट से सांसद पीवी मिथुन रेड्डी ने लोकसभा की कार्यवाही संभाली। जानकारी के मुताबिक ओम बिरला तब तक संसद नहीं आएंगे जब तक विपक्ष हंगामा करना बंद नहीं करता। लोकसभा में मंगलवार को दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पेश हुआ था, आज इस पर चर्चा होनी थी, लेकिन इससे पहले ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक फिर 3 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग करते हुए 60 नोटिस दिए हैं, जिन्हें सभापति जगदीप धनखड़ ने अस्वीकार कर दिया। इससे नाराज विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद इंडिया के सदस्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेस्टइंडीज के मैनेजमेंट पर हार्दिक पांड्या बोले, बेसिक सुविधाएं तो देते, उम्मीद है आगे ऐसा नहीं होगा। फ्लाइट 4 घंटे लेट थी, खिलाड़ियों की नींद पूरी नहीं हुई। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के स्टैंड इन कैप्टन हार्दिक पांड्या ने वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हम लग्जरी नहीं मांग रहे, लेकिन बेसिक सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए। कई सीनियर खिलाड़ियों ने भी बीसीसीआई से कंप्लेन की है कि वनडे सीरीज से पहले फ्लाइट 4 घंटे लेट हुई थी, जिस कारण मैच से पहले खिलाड़ियों की नींद पूरी नहीं हो सकी। टीम इंडिया ने वनडे सीरीज 2-1 से जीती। हार्दिक ने भारत के लिए दूसरे और तीसरे मैच में कप्तानी की है। इसके बाद दोस्तों जाने के लिए बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 676 अंक गिरकर 65,782 पर बंद। हीरो मोटोकॉर्प का शेयर 3% से ज्यादा टूटा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में बुधवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 676 अंक गिरकर 65,782 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 207 अंक की गिरावट रही, ये 19,526 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में गिरावट और सिर्फ 4 में तेजी रही। पीएसयू बैंक और मेटल में 2% की गिरावट के साथ सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। ऑटो, बैंक, रियल्टी, मीडिया और तेल एवं गैस में भी 1% की गिरावट रही। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की बात की जाए तो आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में डिविस लेबोरेटरी, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर रहे, जबकि टॉप लूजर में हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कुनो में एक और चीते की मौत, मादा चीता टिमलिसी की गई जान, अब तक 9 ने दम तोड़ा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में मादा चीता धात्री टिमलिसी की मौत हो गई है। प्रधान मुख्य वन रक्षक असीम श्रीवास्तव ने कहा कि धात्री सुबह मृत पाई गई, मौत की वजह पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। 26 मार्च से अब तक 9 चीतों की मौत हो चुकी है, इनमें 3 शावक भी शामिल है जिनका जन्म कुनो में हुआ था। इसके पहले कुनो प्रबंधन ने प्रेस नोटिस जारी कर कहा कि कुनो नेशनल पार्क में बाड़े में रखे गए 14 चीते, 7 नर, 6 मादा और 1 शावक वयस्क हैं। कुनो और नामीबिया के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट लगातार उनका हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। इसके अलावा खुले जंगल में घूम रही 2 मादा चीता पर निगरानी रखी जा रही है और उनको बाड़े में लाने के प्रयास जारी है। इन दोनों में से 1 मादा चीता टिमलिसी आज सुबह मृत पाई गई। टिमलिसी कुनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में घूम रही थी, उसे हेल्थ चेकअप के लिए लाया जाना था। पिछले 10 दिन से वन विभाग की टीम उसे तलाश कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टॉप 50 डिफॉल्टर्स ने बैंक के 87,295 करोड़ नहीं लौटाए। मेहुल चोकसी की गीतांजलि जेम्स पर सबसे ज्यादा 8,738 करोड़ रुपए बकाया। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टरों पर 31 मार्च 2023 तक बैंकों और वित्तीय संस्थानों का 87,295 करोड़ रुपए बकाया है। इन विलफुल डिफॉल्टरों में भगोड़े मेहुल चोकसी की गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, ऋषि अग्रवाल की एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, आरआईआई इग्रो लिमिटेड और एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड शामिल है। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि विलफुल डिफॉल्टर यानी कि जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों में से टॉप 10 पर शेड्यूल कमर्शियल बैंकों एससीबी का 40,825 करोड़ रुपए बकाया है। वहीं भगोड़े में मेहुल चोकसी की गीतांजलि जेम्स सबसे बड़ी विलफुल डिफॉल्टर है, उस पर बैंकों का 8,738 करोड़ रुपए बकाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
आम आदमी पार्टी के दिल्ली संगठन में नई नियुक्तियां, पहली बार थर्ड जेंडर विंग भी बनाया। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली संगठन के लिए नई नियुक्तियां की है। पार्टी ने दिल्ली में पहली बार थर्ड जेंडर विंग बनाया है। दिल्ली के सुल्तानपुरी से पार्षद बॉबी किन्नर को थर्ड जेंडर विंग का प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया है। पार्टी ने दिल्ली प्रदेश के लिए विभिन्न विंग के स्टेट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्टेट सेक्रेटरी नियुक्त किए हैं। मंगलवार देर रात पार्टी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों की आधिकारिक सूची को अपने ट्विटर अकाउंट पर भी पोस्ट किया। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली प्रदेश के लिए 6 स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए हैं, साथ ही 14 जिलों में 5-5 डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी नियुक्त किए गए हैं। इस तरह से दिल्ली के लिए पार्टी ने कुल 70 डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बनाए हैं। पार्टी के दिल्ली संगठन में रिठाला से विधायक महेंद्र गोयल को ट्रेड विंग का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं मॉडल टाउन विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को पूर्वांचल विंग का अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही पंकज गुप्ता यूथ विंग और दरियागंज की पार्षद शारिका चौधरी महिला विंग की स्टेट प्रेसिडेंट बनाई गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं, कर्नाटक के मंत्रियों के साथ बैठक में बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शानदार जीत मिली थी। पार्टी की तरफ से बुधवार को राज्य के हालात को लेकर एक बैठक की गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने राज्य सरकार के मंत्रियों से कहा कि वो भ्रष्टाचार के आरोप से बचें, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ ही जीत कर आए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जनता से किए गए वादों को हर हाल में पूरा करना है। 2024 की जीत के लिए सबकी जिम्मेदारी तय करनी होगी। जिस क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है, उस क्षेत्र में पार्टी की परफॉर्मेंस के लिए वो जिम्मेदार होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक की कामयाबी 2024 में भी दोहरानी है। खड़गे ने ट्वीट किया कि हम लोग साथ मिलकर 6.5 करोड़ कन्नड़ वासियों के लिए प्रगति और कल्याण का एक नया अध्याय लिख रहे हैं। हम अपनी 5 गंभीर गारंटियों को पूरा करने की दिशा में अथक प्रयास कर रहे हैं, जिनमें से सभी कार्यान्वयन के उन्नत चरण में है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अडानी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स खरीदेगी सांगी इंडस्ट्रीज में मेजोरिटी हिस्सेदारी। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स गुजरात बेस्ड सांगी इंडस्ट्रीज में मेजोरिटी हिस्सेदारी खरीद सकती है। ब्लूमबर्ग में छपी खबर के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि इस डील के जरिए अडानी ग्रुप अपने सीमेंट ऑपरेशंस का साउथ एशियन देशों में विस्तार करना चाहता है। पहचान जाहिर न करने की शर्त पर मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि इस अधिग्रहण का ऐलान बुधवार को हो सकता है। लोगों के मुताबिक अंबुजा सीमेंट सांगी के मालिकों की हिस्सेदारी खरीदेगी। इस सौदे से कंपनी को लगभग 5000 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू मिलेगी। अडानी ग्रुप और सांगी ने इस डील को लेकर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, माफी नहीं मांगने के चलते घमंडी कहलाना गलत। जी हां दोस्तों, मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में अपनी याचिका पर शुक्रवार को होने वाली सुनवाई से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। उन्होंने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अपील सेशन कोर्ट में लंबित है, उसमें सफलता की संभावना है, इसलिए दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। पूर्णेश मोदी ने सीधे उनका बयान नहीं सुना था, मेरे मामले को अपवाद की तरह देख राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि मानहानि केस में अधिकतम सजा के चलते संसद सदस्यता चली गई। पूर्णेश मोदी खुद मूल रूप से मोदी समाज के नहीं हैं, उन्हें इससे पहले किसी केस में सजा नहीं मिली है। माफी नहीं मांगने के चलते घमंडी कहना गलत है। मोदी उपनाम मानहानि मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया था। इसमें उन्होंने राहुल गांधी की याचिका खारिज करने की मांग की थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, राहुल गांधी ने अपनी दोष सिद्धि पर रोक की मांग की है और इस पर 4 अगस्त को सुनवाई होनी है। पूर्णेश मोदी ने कहा कि राहुल गांधी को राहत देने का कोई आधार नहीं, उनका आचरण घमंड भरा है। बिना वजह एक पूरे वर्ग को अपमानित करने के बाद उन्होंने माफी मांगने से मना किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, फिर डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ कमजोर, 2 महीने में रुपए में आई सबसे बड़ी गिरावट। जी हां दोस्तों, बुधवार 2 अगस्त 2023 के दिन एक तरफ शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली, तो वहीं पिछले 2 महीने में डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी रुपए में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। एक ही दिन डॉलर के मुकाबले रुपया 33 पैसे कमजोर होकर 82.58 रुपए पर क्लोज हुआ। शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की तरफ से भारी बिकवाली देखने को मिली, जिसके चलते सेंसेक्स 1000 तो निफ्टी 300 अंक नीचे जा लुढ़का। माना जा रहा है कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली के चलते डॉलर की भारी मांग देखी गई, जिसके चलते डॉलर में मजबूती देखी गई और रुपए 1 डॉलर के मुकाबले 82.60 रुपए पर जा फैसला। दोस्तों, राइटर्स के मुताबिक 3 ट्रेडर्स का मानना है कि
बुधवार को फॉरेंस एक्ट मार्केट में कई सरकारी बैंकों को भी बड़ी मात्रा में डॉलर खरीदना है। इन बैंकों ने इंपोर्टरों के बदले में डॉलर की खरीदारी की, जिसके चलते डॉलर के बदले रुपया 82.61 के लेवल पर जा फिसला। करेंसी मार्केट के जानकारों की माने तो फिच के अमेरिका के क्रेडिट रेटिंग घटाने और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बाद रुपया और कमजोर हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड बीटा पर रिलीज किया नया अपडेट, चैट से जुड़ी समस्या हो सकेंगी दुरुस्त। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप मैसेंजर यूजर्स को आने वाले दिनों में चैट से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलने वाली है। पैरेंट कंपनी मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने एंड्रॉइड बीटा पर चैट को शॉर्ट करने की समस्या के समाधान के लिए एक बग को फिक्स कर अपडेट जारी किया है। डब्ल्यू ए बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि समस्या के चलते जब कोई नया मैसेज रिसीव होता है तो प्लेटफॉर्म चैट लिस्ट को रिफ्रेश नहीं करता है और सबसे लेटेस्ट मैसेज के साथ चैट में टॉप पर ही नहीं आता है। खबर के मुताबिक चैट से जुड़ी समस्या को अस्थायी तौर पर ठीक करने का एकमात्र तरीका था व्हाट्सएप को बंद करना और फिर से खोलना। हालांकि ऐसा करने के बाद भी समस्या फिर से आने की संभावना होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई यूजर्स ने देखा कि गूगल पे स्टोर की ऑटो डाउनलोड सेटिंग्स के चलते अपडेट ऑटोमेटिक रूप से इंस्टॉल हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब कंफर्म है कि एंड्रॉइड 2.23.16.7 वर्जन के लिए व्हाट्सएप बीटा एक बग फिक्स अपडेट है जो चैट से जुड़ी समस्या का समाधान करता है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, टेलीफोन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं टेलीफोन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम तो जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।